जहां पना ये देखिए, ये दो साड़ी हमने पिछले महीने ईरान से खरीदी और ये सोने का हार हमने भूटान से खरीदा। कैसा है? माशाल्लाह माशाल्लाह रानी साहिबा, इन सब में कितनी खूबसूरत लगेंगी आप। ऐसा लगेगा जैसे एक प्यारी सी हथनी बलखाते हुए चली जा रही है। वाह, दिल की बात जुबा पर आ ही गई। रुकिए आप, रुकिए, हम मासा से इसका फैसला करवा कर रहेंगे। रुकिए रानी साहिबा, आप किससे बात कर रही हैं? अरे बीरबल, सलीम के अब्बू के साथ। कहाँ है बीरबल? तुम अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता इतने बड़े गोल मटोल से सलीम के अब्बू। रानी साहिबा, हम यहाँ खड़े। और क्या आप दो दो सलीम के अब्बू? बीरबल, जरूर आपके पास जो खड़े है ना वो भैरूपी है। ये असली सलीम के अब्बू है। रानी साहिबा, सलीम के अब्बू? अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। चिल्ला रहे हैं रानी साहिबा क्योंकि आपको एक बार फिर अपने पागलपन का दौरा पड़ा था। अरे हम यहाँ पर खड़े हैं फिर भी आपको लग रहा है कि हम आपके सामने बैठे हैं और सामने बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं। क्या यहाँ तो कोई नहीं है? हमें पागलपन का दौरा पड़ा है फिर से। सलीम के अब्बू, ये हमें क्या हो रहा है? जो नहीं है वो हमें दिखाई दे रहा है, हम तो इस तरह पागल हो जाएंगे। रानी साहब, हकीम जी ने जो दवाई दी थी वो तो आप वक्त पे ले रही है ना? अरे बीरबल, वो दवाइयां तो हम खुद खिला रहे हैं अपने हाथों से, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। इनके मति भ्रम के दौरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ कीजिए बीरबल, कुछ कीजिए। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, आपका सजने समझने का वक्त हो गया है। हाँ, अभी आते हैं। सलीम के अब्बू, ये हमारी नई दासी है साधना, हमेशा हमें सजने संवरने को बोलती। अब बोलो, हमें बोलती है सजने संवरने को। कभी हमारा मन नहीं भी करता ना, तभी भी हमें कहती है रानी साहिबा आपका वक्त हो गया है सजने संवरने का। चलो चलो चलते। कैसे हो गजोदर? देखा आपने बीरबल, कि पागलपन के दौरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं और इस चीज की जरा भी फिक्र नहीं है इन्हें, सजने सवरने गई हैं। क्या करें, कुछ कीजिए। कोई ना कोई तो पागल होगा, ये होंगी नहीं तो हम होंगे। मित्र बीरबल, हम मिथिला में 7 दिन का संगीत समारोह खत्म करके आए हैं, लेकिन आपके चेहरे को देखकर हमें ये लगता है कि आपको कोई चिंता सताए है। क्या बात है? क्या बताएं मित्र तानसेन, आपके जाने के बाद अचानक रानी साहिबा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। मित्र बीरबल, इस तरह छोटे में बात को मत निपटाइए। हमारे जाने के बाद क्या क्या हुआ हमें जरा खुल के बताइए। मित्र तानसेन, उस रात आपको रथ में बिठाकर जब हम महल वापस लौटे तो कौन है वहां? आप तीनों ऐसे चोरी छुपे बाहर क्यों जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे कंबल में खुद को लपेटे, दबे पांव, चोरी छुपे, ऐसे ठीक है। हम भी ऐसे ही जाके जापना को बताते। शाही खून है हम, वो हमें पता है, फिर भी हम जापना को तो बताएंगे। मुझे पता है बीरबल जी कि आपको नहीं बताना, हम तुर्किस्तान से आई हुई नर्तकी का नृत्य देखने जा रहे हैं। अरे नृत्य देखने के लिए ऐसे छुप छुपा के जाने की क्या जरूरत है? उर्वशी है महल में, उनका नृत्य देखिए। बीरबल जी, ये ऐसी वैसी नृत्यांगना नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि आपने ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा होगा। एक बार उनका नृत्य देख लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए
हम चाहे भी तो नहीं आ सकते, लेकिन आप ऐसा कीजिए ना, आप खुद जाने के बजाय उस नर्तकी को ही दरबार में ले आइए, बाकी सब लोग के साथ हम भी उनका नृत्य देख लेंगे। सच? हम भी तो उन्हें देखना चाहते हैं। क्या बात है, ये तुर्किस्तान की नर्तकी अबीरा अब तक आई नहीं? रुकिए रुकिए, बिरबल कहाँ है अबीरा? जहापना को अबीरा का सलाम। सलाम 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 सलाम। रुक जाइए आप लोग, तो हम आपको इजाजत देते हैं, अपना हुनर पेश कीजिए। नृत्य सीखने का फैसला कर लिया। जी रानी साहिबा, ये तो हमारी खुशनसीबी होगी। रानी साहिबा, ऐसा नृत्य करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बलखाती हुई कमर चाहिए। आप कमरा हिलाएंगी तो पूरा महल हिल जाएगा। ओए, जिसके पास खुद एक बड़ा महल होना, वो दूसरों के कमरों के बारे में बात नहीं करते। भाई साहब, महल में अबीरा के रहने का इंतजाम किया जाए। पतली है ना, तो बार बार इस पतली कमर में मोच आ जाती है। रानी साहब, अगर आप ये नृत्य करेंगी तो आप इतनी पतली हो जाएंगी कि लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो फिर रहने दो। क्यों? अरे क्यों क्या, अगर पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम हमारे नए नए जेवर और साड़ियां पहनकर किसे जलाएंगी। कैसा चल रहा है रानी साहिबा, कुछ कमर पेट हिलना शुरू हुआ या बस जमीन में गड्ढे कर रही हैं अपने नाजुक कदमों से? दमाचा, महारानी दुर्गावती ने फैसला कर लियो से कि थारे को भी अबीरा से रोज 4 घंटे ये नृत्य सीखना पड़ेगा, ताकि थारा भी वजन कुछ कम हो जावे। नहीं नहीं नहीं, नहीं रानी साहिबा, ये हमसे नहीं होगा, इससे अच्छा हम सूली पर ही चढ़ जाएं। तो ठीक से सूली पर चढ़ जाओ। महारानी साहब, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? करो। यह नृत्य महिलाओं के लिए है, यदि जहां पर यह नृत्य करेंगे तो उनकी आन बान शान के खिलाफ होगा। दुनिया के दूसरे राजाओं को यह पता चलेगा तो उनका मजाक उड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अबीरा, थारे को थारी राय कोनी पूछे से? दामाद सा के नाम पे बट्टो लगे से जो महारानी दुर्गावती को बर्दाश्त कोनी। ठीक से थे नित्य कोनी करोगे, पर थारी दौड़ सुबह 10 मील से 20 मील बढ़ा दी जाती।
मित्र बीरबल, हमारे जाने के बाद तो सब कुछ हुआ अच्छा, न जाने रानी साहिबा को कैसे पड़ गया ये पागलपन का दौरा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई बच्चा? मित्र तानसेन, हमें तो इस बात की चिंता है कि रानी साहिबा की हालत और बिगड़ गई तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगी। राजा बीरबल, रानी साहिबा ने पागलपन में शहजादे सलीम पर तलवार से हमला कर दिया है। क्या? क्या? जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, हकीम जी ने कहा है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए हम अपने फौलादी हाथों से बना हुआ संतरे का रस उनके लिए लेके गए। और अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, शाही खून है हम। हमने अपने फौलादी हाथों से आपके लिए संतरे का रस बनाया है। अगर आप हमारे फौलादी हाथों से बना हुआ संतरे का रस पिएंगी तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगी। अम्मी जान, अब हमने फैसला कर लिया है कि अब हम खुद आपका ख्याल रखेंगे। कौन हो तुम? आपके लगते जिगर, नूरे नजर, आपके बेटे। अब हम आपको खुद अपने हाथों से संतरे का रस पिलाएंगे। तुम हमें मारना चाह रहे हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बचाओ, बचाओ, कोई है, ये हमें मारना चाह रहा है, बचाओ। बहनो, अरे बचाओ। बहनो, क्या कर रही हैं? बहनो, बहनो, नहीं बचाओ। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर हम पहुंच गए, वरना बहना शहजादे सलीम का सर कलम कर देते। बीरबल जी, आपके पास तो हर मुश्किल का हल है ना, तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि हमारी अम्मी जान ठीक हो जाए। देखिए शहजादे सलीम, हम दिल से चाहते हैं कि रानी साहिबा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर ऐसे हालात में हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते। विश्वास कीजिए, हमने तो हमारे दुश्मन पर वार किया जो हमें मारने आया था। माता रो मत गुड़िया रानी, हमारा विश्वास कीजिए। माता विश्वास कर उसे। महारानी दुर्गावती जाने से कि तू जो भी करे थारे मति भ्रम की वजह से करे, रो मत। मासा, हमें तो सलीम के अब्बू की फिक्र हो रही है, हम हमेशा उनके साथ होते हैं, कई रात को उन पर वार कर दिया तो क्या होगा? मासा तू चिंता ना कर, हम क्या करें। मासा रानी साहिबा, यदि आपको जहां पना की इतनी फिक्र हो रही है तो आप हमारे कमरे में सो जाइए, हम आपका ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सबको हमारे पागलपन के दौरे से बचाने के लिए हमने एक तरीका सोच लिया है। शाही खून है हम जानते बेटा, और डरो मत, हमें अब कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा है, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अम्मी जान आपने अपने ये हाथ क्यों बांधे हुए हैं? वो तो बेटा इसलिए कि अगर पागलपन का दौरा पड़ जाए तो हम किसी पर हमला ना कर दे, इसीलिए हाथ बांधे हैं।
चलो, बहुत वर्जिश हो गई, अब कुछ खा लो। हमारे हाथ खोल दो, हम ये सेब काट कर देते तुम्हें। मुझे पता है फूफी, सलीम भाई साहब अभी अभी मुझसे कह रहे थे कि उनका सेब खाने का बहुत जोर से मन कर रहा है ना? चलो ना, तो खोल दो हमारे हाथ, हम अभी सेब काट कर देते। शाइकून है हम। हाँ तो? तो हमें अभी अभी याद आया कि हमने सेब खाना छोड़ दिया है। क्या? ये कब हुआ? अभी अभी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब हमें सेब के नाम से चिढ़ हो गई है। आप एक काम कीजिए कि ये सारे सेब काट के वासु को खिला दीजिए। ठीक है वासु, चलो हमारे हाथ खोल दो, हम तुम्हें सेब काट कर देते। चल फूफी, फूफी मुझे अभी अभी याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था फूफी कि आजकल ना सेब का नाम सुनते ही मेरा पेट खराब होने लगता, गुड़गुड़ 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 होने लगती है पेट में। आप पिताजी, पिताजी आपको सेब खाना बहुत पसंद है ना? है ना बेटा? बहुत। आप पिताजी को सेब खिलाइए ना बहुत अच्छा से काट कर। हाँ, चलिए भाई साहब हमारे हाथ खोलिए, हम अभी आपको सेब काट कर देते। बहना हमें जरूरी काम याद आ गया, अभी जाना है हमें। बहना, अरे भाई साहब, भाई साहब रुकिए, पहले सेब तो खाइए भाई साहब। बीरबल, रानी साहिबा की हालत तो बिगड़ती जा रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए बीरबल, रानी साहिबा को पागल होने से रोकिए, बचाइए। जहां बना किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए बीमारी की वजह जानना बहुत जरूरी है। तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं बीरबल, आपकी किसी भी बात का कभी भी हमने बुरा माना है? पूछिए। जहां बना हमें माफ कीजिए, पर हमने कई बार देखा है कि रानी साहिबा से गुस्सा होकर या रानी साहिबा से चिढ़कर आप उनसे पीछा छुड़ाने की बात करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रानी साहिबा से कुछ ऐसा कह दिया हो जिस बात का उन्हें बुरा लगा हो, जो बात उनके मन में घर कर गई और उनके दिमाग पर असर हुआ? बीरबल जी, जहां तक हमें समझ आ रहा है, शायद आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पना रानी साहिबा को जानबूझकर पागल कर रहे हैं। अरे ये क्या कह रही है? नहीं नहीं जापना, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अनजाने में अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी हो जिसका रानी साहिबा को बुरा लगा हो तो। बीरबल जी, हम रानी साहिबा के साथ कुछ ही दिनों से हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें यही बताया है कि जहां पना उन्हें बेन कहां प्यार करते हैं, और आप जहां पना पर ये शक कर रहे हैं। बीरबल, हम हमेशा आपको एक बहुत ही होशियार इंसान मानते थे कि आपको इंसानों की परख है, लेकिन आज हमारी नियत पर शक करके आपने हमारे भरोसे को हिला दिया। आज आप हमारी नियत पर शक कर रहे हैं, कल आप हम पर भी उंगली उठा सकते हैं। देखिए जापना, आप गलत समझ रहे हैं, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और गलत हम समझ रहे हैं। हमारी बीवी के पागलपन का जिम्मेदार आप हमें ठहरा रहे हैं और गलत हम समझ रहे हैं। बीरबल, अब आप हमसे थोड़ा दूर रहिएगा, नहीं हम कुछ कर ना बैठे। जहां पना हमें माफ कर दीजिए, हम शायद आप दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही बोल गए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं नहीं, गलती आपकी नहीं है। आग कहीं नहीं लगी है, ये आपका मति भ्रम है। आगे आने की कोशिश मत करना चोटी वाले बाबा। और ये दोनों अंतर पंतर आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, आप लोग हमें जलाकर मारना चाहते हो ना, हम खुद इससे पहले मर जाएंगे, मर जाएंगे। बुढ़ी रानी, तू क्यों आया? मासा ये हुई गुड़िया रानी। मासा सलीम, अब हमने क्या किया? गुड़िया रानी थे अपने आप को इस भाले से मार डालती। जापना, हमारे हिसाब से आपसे नहीं पूछा हमने, आपकी सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं, अगर चाहिए होगी तो हम खुद मांग लेंगे। जापना,
हकीम जी का कहना है कि बहना की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इन्हें हमें पागल खाने भिजवाना होगा। नहीं बलदेव नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। नहीं जान बना, भाई साहब ठीक कह रहे, हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें आप पागल खाने भेज दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं रानी साहिबा, हम सब है ना आपके साथ, हम रखेंगे ना आपका ख्याल। नहीं अबीरा, गुड़िया रानी ठीक कह रही है। भाई साहब हमें औरतों के पागल खाने भेजने की तैयारी कीजिए।